नमस्कार, स्वागत है आपका खबर लहरिया के इस फेसबुक लाइव में और मैं हूं आपके साथ अलीमा तरन्नुम। आज मैं मौजूद हूं छतरपुर जिले के नंबर वन स्कूल में। यहां पर आज सांसदीय वोटिंग हो रही है और यहां पर देखिए आज खुद ही एक प्रत्याशी हूं समाजवादी पार्टी से और मुझे जनता का अपार समर्थन मिल रहा है क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। पूरे भारतवर्ष में प्रजापति समाज केवल टीकमगढ़ आरक्षित सीट थी और आरक्षण का लाभ हम लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, जो करीब 16,32,000 लोगों में से क्या एक भी आदमी चुनाव यहाँ का आदमी लड़ने लायक नहीं था? जो हम पंच बनाते, सरपंच, जनपद, जिला, मंडी अध्यक्ष, विधायक, संसद बनाते हैं, तो क्या हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? इन भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने दोनों ने बाहरी लोगों को भेजा है और बाहरी इसलिए भेजा है कि यहाँ का विकास ना होगा, यहाँ का विनाश हो, क्योंकि उनके उनके अगले अगल बगल घूमते रहेंगे, इसलिए उनको भेजा गया। तो आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं यहाँ आया हूँ अपनी पोलिंग देखने के लिए आया हूँ। मैंने वोटिंग भी की है मुड़ेरी में और मुझे बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है और मैं यहाँ चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल। आप मुझे इतना यहाँ जन समर्थन मुझे छतरपुर के लोगों को मिल रहा है क्योंकि ये 16,32,000 ये मतदाताओं का अपमान है, क्षेत्र की जनता का अपमान है जो यहाँ हम लोग जिंदगी भर वोट देते आए और हम पे भरोसा नहीं कर रहे, बाहरी लोगों पर भरोसा कर रहे हैं। मतलब हम लोग वोटर नहीं, हम लोग यहाँ के आदमी को ये लोग मान ही नहीं रहे। हम लोगों को भेड़ बकरियाँ मांग रहे, हम लोगों को जानवरों की तुलना कर रहे, हम लोगों को ये नेते नहीं मान रहे। इसलिए ऐसे आदमियों को ये जनता निकाल कर फेंकेगी और ये बाहरी आदमी लाएंगे, इस क्षेत्र को लुटवाएंगे। आप वीरेंद्र कुमार कटीक को देख लीजिए, इसको विकास पुरुष का विनाश पुरुष है। 5 करोड़ की लागत से 5 करोड़ जो धनराशि रहती है इन्होंने वापस कर दी, मतलब लिप्स हो गई। और जो दिव्यांगों का जो साइकिल होती है उसमें भी इनको कमीशन चाहिए, दिव्यांगों की साइकिल में जंगे लग रही हैं, एक कमीशन कौर है। और ये मैं बता रहा हूँ, आपसे बता देना चाहता हूँ, ये कहते मैं चौकीदार हूँ, ये चौकीदार हैं, एक घर का चौकीदार है, एक घर का चौकीदार है और ये जनता का सेवक नहीं है। और ये इससे ज़्यादा है, माननीय वीरेंद्र कुमार जी से ज़्यादा शायद हिंदुस्तान में कोई गूंगा सांसद नहीं होगा जो अपने क्षेत्र की समस्या को उठाए, एक भी समस्या नहीं उठाते। अगर देखती हैं इनको समस्या तो अंधे बन जाते हैं, सुनते नहीं, देखते नहीं हैं, और अगर कोई सुनाता तो सुनते नहीं हैं, और अगर विधान लोकसभा बोलने का टाइम आता है तो फिर मौन बन जाते हैं। इसलिए इनसे ज़्यादा मैं बता रहा कुछ कहना नहीं चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान का पहला सांसद है जो बुंदेलखंड के नाम से कलंक है। तो आप किस तरह के काम करेंगे? आरडी प्रजापति जीतेगा, यहाँ स्वर्ग बना दूंगा, यहाँ रेल एक नहीं 100-100 रेल, 50-50 रेल, यहाँ पूरा फैक्ट्रियाँ लगवाऊंगा। बुंदेलखंड का एक भी आदमी दिल्ली, जम्मू कश्मीर में नहीं जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ट्रेन चलेगी और केन बेतवा लिंक तो ठीक है, केन बेतवा तो होगी, जो ये प्लेन जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हमारा ये चला गया ये हवाई अड्डा, ये भी चल, ये नहीं जाएगा, इसको लाऊंगा। तो आपको पहले बता रहे केन बेतवा तो होना ही है 100%, उसकी लड़ाई तो मैंने सबसे पहले लड़ी अमरोनिया में आरडी प्रजापति, और आज भी लड़ रहा हूँ। और मुझसे ज़्यादा विधानसभा में क्वेश्चन लगाने वाला जो मैं लोकसभा विधानसभा मध्य प्रदेश में कोई नहीं 230 विधायकों में, और संघर्ष करने में भी गरीब जनता के लिए। और ये तो एक जगह की पूजा में लगे रहते हैं, ये तो एक जगह की पूजा में, वही तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्ही आरडी प्रजापति जनता का पुजारी है, समाज का पुजारी है, गरीबों का पुजारी है, क्षेत्र की जनता का पुजारी है, आम आदमी का पुजारी है। और 16,32,000 लोगों का जो अपमान हुआ उसके सम्मान की लड़ाई आरडी प्रजापति लड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे प्रत्याशी ने अपनी राय बताई है और आइए जानते हैं कि जनता का क्या कहना है और वो किस तरह की सोच रखते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? आप बताइए जी भैया, क्या नाम है आपका? और मैं डॉक्टर बलराम नामदेव लिखता हूँ जी। तो आज इधर पे वोटिंग हो रही है, तो आप किस तरीके कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं स्थानीय सांसद जो संघर्षशील है आरडी प्रजापति के नाम, तो साइकिल पर बढ़ लगा। ये दोनों बाहरी प्रत्याशी हैं, एक राघवगढ़ से लड़ने आ जाते हैं, एक सागर से आ जाते हैं। हमारे 16 लाख जो वोटर हैं उनका ये अपमान है। तो आप किस तरीके की उम्मीद रखते हैं अपने? मैं ये चाहता हूँ कि हमारा सांसद संसद में जाएगा और 543 सांसदों में सबसे तेज आवाज, बुलंद आवाजी के साथ टीकमगढ़ लोकसभा की उठाएगा। धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों की अलग अलग राय है, आइए जानते हैं और भी लोगों का कि इन लोगों की क्या राय है। तो जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुर प्रताप सिंह है, मैं चंदा विधानसभा का रहने वाला हूँ, छतरपुर में रेजिडेंस है, यहीं पे
यहीं पर मैं जो है मतदाता हूँ यहीं का। और ये फर्जी नेता है आर डी प्रजापति जैसे लोग, जिसने बीजेपी पार्टी ने जिनको सब कुछ बनाया, और ये लोग जो है आज दल बदलू हो गए तुरंत, इनको टिकट नहीं मिली। ये स्वार्थी लोग हैं, यहाँ पे अच्छे लोगों की व्यक्तित्व की आवश्यकता है और बदलाव की आवश्यकता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कोई प्रत्याशी कह रहा है कि हमारी साइकिल को जिताना है, लेकिन कोई कह रहा है कि ये सब फजूल है। आइए जानते हैं जनता की और क्या राय है। तो जी भैया, क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा नाम है हमारा, हम छतरपुर के निवासी हैं, चौबे कॉलोनी में। तो जी, वोटिंग हो रही है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज? आज वोटिंग के दिन हम लोग स्थानीय मुद्दे और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर वोटिंग कर रहे हैं, और स्थानीय मुद्दों को विशेषकर ध्यान में रख करके जो हमारी स्थानीय समस्याएं हैं, जो व्यवस्थाएं नहीं हैं उनको ध्यान में रख करके हम लोग मतदान कर रहे हैं। कैसा सांसद चुनना चाहते हैं? हम लोग ऐसा सांसद चुनना चाहते हैं जो हमारे स्थानीय समस्याएं हैं, जैसे NTPC की है, रोजगार की समस्याएं हैं, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, इन समस्याओं को ध्यान में रख करके हम लोग वोट कर रहे हैं। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमें ऐसा सांसद मिले जो हमारी यहाँ की समस्याओं को ध्यान में रख कर का काम करे, ना कि राष्ट्र की और दुनिया भर की बातों में उलझा करके लोगों को बांटने का काम करे। हमारा भारत देश अनेकता में एकता का प्रतीक है, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग वोट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि हम चाहते हैं कि हमारा सांसद ऐसा हो जो लोगों का और हमारे देश का अच्छे से ख्याल रखे। आइए जानते हैं दूसरे मतदाता से कि इनका क्या कहना है। जी भैया, क्या नाम है? नीलेश दुबे जी नाम है मेरा। तो आज वोटिंग है, तो आप किस तरीके का सांसद चुनना चाहते हैं इस बार? प्रधानमंत्री चुनना है देश को। सांसद के लिए मैंने वोटिंग की ही नहीं, प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग की है। तो कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा। किस तरीके की उम्मीद रखते हैं आप अपने? किसको उम्मीद? प्रधानमंत्री जी से कैसी? बहुत अच्छी उम्मीद, जैसा कार्य किया हमने वैसी करेंगे। संतुष्ट हैं आप? बहुत ज़्यादा। राष्ट्र की एकता अखंडता और विकास के लिए उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। मैडम, इस साइड से और आइए जानते हैं कि अगले लोगों की क्या राय है। और जी भैया, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस धूप में आप लोग बड़ी मेहनत के साथ आम जनता के बीच में जाकर आप लोगों की बात रख रहे हैं, और आज जो मतदान किया जा रहा है इस देश के अंदर, वो बदलाव की ओर किया जा रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे बीरेन खटिक जी, जो बिल्कुल निष्क्रिय नेता हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है, और उस बदलाव को लेकर किरण अहिरवार को जितवाने के लिए पूरी जनता लगी हुई है, और किरण को वोट देने जा रही है, कांग्रेस को वोट देने के लिए जा रही है। जय हिंद। जी भैया, क्या नाम है और किस? कुलदीप कठल नाम है मेरा। किस तरीके महसूस कर रहे हैं आज वोटिंग? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज मेरी बेटी ने पहली बार मतदान किया है, और सिर्फ सभी लोगों से केवल इतना कहना है कि बटन दबाओ और देश बनाओ। तो किस तरीके के सांसद चुनना चाहते हैं और कितनी उम्मीद रखते हैं आप उनसे? उम्मीदें वही जो देश के लिए काम करे, शहर का विकास करे, प्रदेश का विकास करे, लोगों की शिक्षा और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करे। ऐसी जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने काफ़ी लोगों से उनकी राय जानी है, और अब हम जानते हैं कि जो नए वोटर हैं उनकी क्या राय है और उनको इस बार कैसा महसूस हुआ है वोट डालने में। तो जी, क्या नाम है आपका? पल्लवी कठेल। इस बार आपका पहला वोट है जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि एक सिटीजन की ड्यूटी फॉलो करना बहुत ही प्राउड फील कराता है। तो कैसा प्रत्याशी चुनना चाहती हैं इस बार? जो कि सिटीजन की सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और सिटीजन्स के बीच में एक जागरूकता क्रिएट करे। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा, थैंक यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सारे लोगों की अलग अलग राय जानी है, और हमने एक नए वोटर की भी राय जानी है। और यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे काफ़ी इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है, नए वोटरों की लिए टॉफ़ी वगैरह का इंतज़ाम है। और अगर आप इसी तरह से हमारा लाइव देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे खबर लहरिया के फेसबुक लाइव पर, और हम अपना आपको